हेलो गाइस, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग एकदम बढ़िया से होंगे। तो गाइस, एक बार काफी लंबे टाइम बाद फिर से हम लोग खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज का सीजन 2। ओए मुन्ना, कल तो मजा ही आ गया था होली मनाकर। ओए हाँ यार भैया, होली में सेलिब्रेशन का तो मजा ही कुछ अलग होता है। वो भी भैया, कल तो बॉब भी था, कॉकरोचेस भी थे, कल तो भैया एकदम फुल टू मजा आ गया था। गाइस, उम्मीद है आप लोगों की होली भी एकदम अच्छी मनी होगी। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने मुन्ना एक शुगर केन फॉर्म बनाया था ना। हाँ भैया, एक बिगेस्ट शुगर केन फॉर्म, जिसके वीडियो गाइस आप लोगों ने देखी भी होगी। शायद क्या बोल रहा हूँ, देखी होगी यार। और मुन्ना, उसको बनाते बनाते तो हालत ही खराब हो गई थी। ओए हाँ यार भैया, काफी टाइम लग गया था। और भैया, आज की वीडियो में भी हालत खराब ही होने वाली है। ओए क्यों, आज की वीडियो में भी दोबारा शुगर केन फॉर्म बनाना है क्या? नहीं भैया यार, भैया आफ्टर शुगर केन फॉर्म बनाने के बाद भैया हमें बहुत सारे कॉमेंट आने लगे की हम लोग एक एक्सी फॉर्म भी बनाना चाहिए। क्योंकि भैया हम लोगों ने शुगर केन फॉर्म तो बना लिया, उससे भैया हम लोग को शुगर केन मिलेंगे, उससे पेजेस बनाएंगे, फिर भैया पेजेस से बुक बनाएंगे, फिर भैया हम लोग इंचेंटमेंट करेंगे। लेकिन भैया इंचेंटमेंट करने के लिए हम लोग को एक्सपी भी तो चाहिए होती है ना। ओ ये बात तो सही है। ओए वैसे मुन्ना देख, हम लोग कितनी ऊंचाई में बसे हुए हैं, अगर मुन्ना यहाँ से टपक गए तो हम लोग भी टपक जाएंगे। ओए हे भैया यार, तो भैया आप टपकना क्यों चाहते हैं? ओए वो तो मुन्ना ऊंचाई देख रहा था। ओए मुन्ना क्या शानदार लग रहा है अपना शुगर केन फॉर्म। ओए ये क्या तलवार क्यों जा रही है मुझसे दूर? हे भैया फेंकेंगे तो दूर तो जाएगी ना। ओए गलती चली गई थी। ओए मुन्ना कमाल का शुगर केन हम लोगों ने बनाया था। हाँ भैया वो तो है। वर्क वगैरह कर रहा है कि नहीं? हाँ वर्क तो कर रहा है भैया। ओए इतनी मेहनत की है, वर्क ना करे तो मुन्ना मेरा दिमाग ही खराब हो जाएगा। हे भैया यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वर्क तो भैया एकदम बढ़िया कर रहा है, इधर का भी वर्क कर रहा है कि नहीं? ओए मशीन तो चल रही है, देख लेता हूँ आ रहा है कि नहीं। ओए एकदम बढ़िया मुन्ना काम कर रहा है। भैया ये तो कमाल की बात है यार, अब हम लोग को शुगर केन की कभी कमी नहीं पड़ेगी यार। ओए कमी क्या मुन्ना, अपने साथ पुष्टे शुगर केन की कमी नहीं पड़ेगी। ओए हे भैया चलिए ठीक है यार, अब हम लोग को एक्सपी फॉर्म का भी काम करना है, भूलिएगा नहीं भैया। ओए मुन्ना कैसे भूल सकता हूँ, इतना बड़ा काम है उसको मुन्ना कोई भूलने वाली चीज है क्या? हाँ भैया वो तो है। चलिए भैया यार, अभी हम लोग को काफी सारी चीजें भी चाहिए होंगी उसको बनाने के लिए। ओए मुन्ना बेस तो हम लोगों ने शायद बना लिया था ना। तू ये बताइए, बेस तो एक्सी फॉर्म के लिए बनवा रहा था? हाँ यार भैया, क्योंकि एक्सी फॉर्म के लिए भैया बेस तो चाहिए होता है ना। ओए मुन्ना वो नीचे से छोटा ही दिखता रहता है। हाँ भैया लेकिन उतने उसमें नहीं होता यार, इसलिए भैया मैंने थोड़ा सा बड़ा ही बनाया है, इतना तो बड़ा नहीं है लेकिन भैया ठीक ही ठाक है, इतने में एक्सी फॉर्म हो जाएगा। मुन्ना वैसे हम लोग खड़े कहाँ पर है? ओए मुन्ना तो बहुत लापरवाह होता जा रहा है। ओए हे यार भैया भूल गया था। ओए अभी नीचे गिर जाते तो अपनी हड्डी पसली टूट जाती। ओए हे भैया चले यार, सॉरी भैया। ओए सॉरी क्या, तेरे बेस के चक्कर में आज अपनी हड्डियाँ टूट रही होती। ओए हे भैया चलिए, बच गए ना यार। नहीं टूटी भैया हड्डियाँ। ओए चल अब नीचे चलते हैं, कुछ लाना वगैरह है क्या नीचे से? हाँ भैया यार, कुछ कॉपर स्टोन वगैरह रखे हुए हैं, उनको लेकर आना है। और भैया कुछ आयरन वगैरह भी है, क्योंकि भैया हॉपर बनाना है, चेस्ट बनाना है, काफी सारी चीजें भैया ऐसी बनानी है यार। ओए चल ठीक है फिर। ओए चल मुन्ना थोड़ा सा बाहर का माहौल लेकर आते हैं। हे भैया बाहर कुछ नहीं है यार। क्या माहौल लेने जाएंगे? ओए देख लेते हैं मुन्ना माहौल लेने में क्या जाता है। ओए ये क्या, बाहर तो बहुत सारे जॉम्बी हैं। वैसे मुन्ना मैंने ट्री तो हटा दिए हैं, फिर भी इतने सारे जॉम्बी कहाँ से आ रहे हैं? ओए निकल ले। हे भैया यार स्केलेटन बहुत सारी एरो चला रहे हैं, भाग लीजिए भैया यहाँ से। ओए भाग कर जाएंगे कहाँ पर? ओए ये क्या मुन्ना, तो कुछ ज्यादा ही है। ओए हे भैया पूरी पलटन यहाँ पर बसी हुई है, यहाँ से भागना ही सही रहेगा। ओए लेकिन भाग कर जाएंगे कहाँ पर? ओए ये क्या, ये तो मारते ही जा रहे हैं मुन्ना। हे भैया वो नहीं रुकने वाले यार, हम ही को यहाँ से भागना पड़ेगा। ओ मुन्ना इनका किया क्या जाए, ये लोग स्पॉन कहाँ से हो जाते हैं? हे भैया यार, क्योंकि हम लोग का देखिए भैया जो बेस है एकदम ऊपर बना हुआ है, उसी की भैया छाव में ये लोग स्पॉन हो जाते हैं, इसीलिए तो भैया यार इनको डैमेज नहीं होता, ये जलते नहीं है यार। ओए बच गए, इधर भी खाई है, ये क्रीपर कहाँ से आ रहा है? हे भैया यार चलिए जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, बहुत खतरा है। ओए निकल ले। हे भैया यार ये माइनक्राफ्ट है, यहाँ पर ज्यादा माहौल वगैरह मत लिया करिए यार। अब भी ना भैया यार माहौल लेने गए थे। ओए मुन्ना मैं तो देख रहा था ट्री वगैरह तो मैंने हटा दिया था, फिर भी इतने सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे हैं। भैया आप बनिए खतरों खिलाड़ी, मैं तो चला भैया सामान लेने, क्योंकि भैया मुझे एक्सपी फॉर्म बनाना है, और भैया किसी भी हाल में आज हम लोग को एक्सपी फॉर्म बनाना ही पड़ेगा। ओए तो चल कोई बात नहीं, ना बन जाएगा। ओए मुन्ना तुझे उस दिन मैंने माइनिंग पे भेजा था, तूने इतने ही कॉपरस्टोन कलेक्ट किए? हे यार भैया जितने आए थे उतने ले आया मैंने। ओए मुन्ना तू भी ना बहुत आलसी तू भी होता जा रहा है, मैं सोचा तू ढेर भर के कॉपरस्टोन लेकर आएगा, इतने में भला क्या होगा। हे भैया यार ऊपर और भी रखे हुए हैं, टेंशन की बात नहीं है। ओए रुक जा, इससे रिपेयर कर लूं, मुन्ना पूरी जाने ही वाली है। हे यार भैया उसमें एक एन्चेंटमेंट चली गई होगी। ओए तो दोबारा कर लेंगे ना, एन्चेंटमेंट करने में क्या दिक्कत है, अब तो मुन्ना अपने पास एक्सपी भी आ चुकी है। हाँ यार भैया एन्चेंटमेंट से याद आया, आज हम लोग को काफी सारी एन्चेंटमेंट भी करनी है, क्योंकि भैया हमारी तलवार में भी कोई एन्चेंटमेंट नहीं है, और भैया कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई है उनमें भी भैया देख लेंगे आखिर मिल क्या रहा है।
ओए चल मुन्ना आज फिर इंचेंटमेंट कर ही लेते हैं क्योंकि मुन्ना एक्सपी अभी है और इंचेंटमेंट भी हो ही जाएगी। ओए और एक्सपी फॉर्म भी उसके बाद बनाना है। भैया ठीक है यार, जो भी करते हैं जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि भैया एक्सपी फॉर्म बनाने में टाइम काफी लगने वाला है। ओए मुन्ना टाइम तो हर चीज में लगता है, ओए वो भी माइनक्राफ्ट के फॉर्म में मुन्ना काफी टाइम लगता है। जो भी फॉर्म बनाएंगे उसी में मुन्ना टाइम है। ओए हाँ भैया वो तो है। चलिए भैया बुक्स वगैरह ले लिया है, लैपटॉप जरूरी भी ले लिया है। अब देखते हैं आखिर मिल क्या रहा है। ओए देखता हूँ पिकेक्स में क्या मिल रहा है। ओए एफिशिएंसी 2, ओए फॉर्चून 1, किसको लिया जाए मुन्ना? हे यार भैया आप कैसा कीजिए, एफिशिएंसी 2 ही ले लीजिए। ओए तू कंफर्म है? हाँ भैया ले लीजिए यार, क्योंकि भैया फॉर्चून 1 अभी भैया किसी काम की नहीं है। डायमंड में होती तो भैया सोचा ही जाता, लेकिन भैया ये आयरन की है यार। इसमें नॉकबैक 1 मिल रही है और अनब्रेकिंग 2 मिल रही है, किसे लिया जाए? ए भैया अनब्रेकिंग 2 यार भैया, नॉकबैक 1 किस काम की? ओ आप मुन्ना नॉकबैक 1 बहुत काम की है, पीछे मुन्ना एकदम जॉम्बियों का ढकेल देगी। ओए हे भैया यार नॉकबैक 1 बाद में देखी जाएगी, 2 मिलती तो भैया कुछ सोचा भी जाता। चलिए भैया यार, ओए फिशिंग रॉड में क्या देख रहा था मुन्ना? तू भी ना बेफालतू की एंचेंटमेंट देखता रहता है। हे भैया स्माइट 1 मिल रही है, ले लेता हूँ। ओए मुन्ना लिया है ना आज, अपने पास काफी सारे एक्सपी है। ओए ये क्या ले लिया? हे भैया प्रोटेक्शन 1 भी मिल रही है, इसको भी ले लेता हूँ। ओए क्या क्या लेता जा रहा है बेफालतू का, इसमें देखता हूँ, इसमें पियर्सिंग 1 और इसमें भी पियर्सिंग 1, ये क्या हो रहा है? ओए मुन्ना नीचे वाले में लूट 2 मिल रही है। हे भैया यार वो फिशिंग रॉड के लिए है, किसी काम की नहीं है। ओए इसमें क्या मिल रही है, एफिशिएंसी 2 मिल रही है, ले लेता हूँ। हाँ भैया ले लीजिए, क्योंकि भैया एफिशिएंसी 2 और एफिशिएंसी 2 मिलाकर बन जाती है एफिशिएंसी 3। ओए मुन्ना जब हम लोग का एनविल बनेगा तभी तो एक काम आएगा ना। हाँ भैया एनविल बनाने में क्या बात की देरी। भैया वो 2 मिनट में बन जाएगा क्योंकि भैया अपने पास आयरन भी है, सब कुछ है यार भैया, बन जाएगा भैया, टेंशन की बात नहीं है। ओए चलो मुन्ना एंचेंटमेंट बहुत हो गई, अब हम लोग का एक्सी फॉर्म बनाने में ध्यान देना चाहिए। हाँ भैया शायद आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भैया जब हम लोग का एक्सी फॉर्म बन जाएगा तब भैया हम लोग का एंचेंटमेंट भी एंचेंटमेंट करना है। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, आप जल्दी चलते हैं, हम लोग का एक्सी फॉर्म बनाने में ध्यान देना चाहिए। हाँ भैया चलिए फिर चलते हैं यार, और भैया जल्दी से कुछ सामान वगैरह भी बना लेते हैं। ओए मुन्ना चेस्ट बनाना है, हॉपर बनाना है, ये सारी चीजें हम लोग को बनानी पड़ेगी। ओए रुक जाइए भैया, मैं इधर साइड से कॉपर स्टोन लेकर आ जाओ। ओए इधर साइड कहाँ पर रखा है? ओए ये क्या मुन्ना इतने सारे कॉपर स्टोन? हाँ यार भैया मैं शुगर केन फार्म के लिए लाया था, लेकिन भैया यार ये इधर ही रखे रह गए, इसीलिए भैया मैंने सोचा ये अपने एक्सी फॉर्म बनाने में काम आ जाएंगे। ओए इसीलिए तूने इतने कम कॉपर स्टोन माइन कर लाया था क्या? नहीं भैया यार ऐसा तो कुछ नहीं है, बस भैया मैं ऐसे ही थोड़ा सा गया था, लेकिन भैया यार वहाँ पर एक जॉम्बी मिल गया था, और भैया एक जॉम्बी नहीं बहुत सारे जॉम्बी थे। ओए भैया को बताना चाहिए था ना। हे भैया मेरे में लौट आया यार, और भैया मुझे तो नहीं लगता कि इतने भी कॉपर स्टोन में हम लोग को होने वाला है। ओए मुन्ना इतने काफी कॉपर स्टोन हो जाएंगे। ओए नहीं यार भैया भी कम पड़ने वाले हैं। ओए चल ठीक है फिर, जब कम पड़ेगा देखा जाएगा, पहले तो हॉपर बनाने दे और चेस्ट भी बना ही लेता हूँ। हे भैया पहले हॉपर बनाइए यार, चेस्ट तो भैया कभी बन जाएगा। ओए हॉपर ही बना रहा हूँ, 4 में हो जाना चाहिए ना। हाँ भैया 4 तो लगने ही है, क्योंकि भैया आपने एक्सी फॉर्म कभी बनाया नहीं क्या यार? ओए वही तो बोल रहा हूँ, 4 ही तो लगेंगे, इसीलिए तो मुन्ना एक्सपीरियंस है मेरे पास। ओए हाँ भैया चलिए ठीक है, अब भैया चेस्ट भी बना लेते हैं। हमारे पास यार वुड भैया रखे हुए हैं और इसके बनाते हैं प्लैंक्स, और भैया उसके बाद हम लोग बना लेते हैं, पहले इसको रख देते हैं। और इतने में कितने 4 भैया चेस्ट चाहिए हम लोग को? ओए मुन्ना 4 ही चेस्ट बनेंगे, हम लोग को ज़्यादा बनाना भी नहीं है। ओए हाँ भैया वो ज़्यादा तो नहीं बनाना, नहीं तो भैया वेस्ट ही चला जाएगा। ओए रुक जा, 1, 2, 3, 4 बनना बन गए। ओए भैया बहुत बढ़िया यार, और भैया अभी हम लोग को ट्रैप डोर वगैरह भी बनाना है क्योंकि भैया ऊपर लगने वाला है। और तो चल फिर जल्दी से बनाते हैं और क्या। ओए चल मुन्ना अब तो सुबह भी हो चुकी है, अब जल्दी से काम पर हम लोग को लग जाना चाहिए, क्योंकि मुन्ना अभी तक हम लोग ने एक कॉपर स्टोन भी नहीं लगाया एक्सी फॉर्म में। ओए हाँ भैया वही तो चल रहे हैं यार। चलिए भैया यार मुश्किल वक्त कमांडो सर। कहाँ पर कमांडो आ गया और मुश्किल वक्त कहाँ पर आ गया, चल जल्दी से एक्सी फॉर्म बनाया कर, बेकार की बातें मत किया कर। ओए हे भैया यार डायलॉग बाजी खड़ा था, क्योंकि भैया इससे जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो भैया कहीं नहीं मिलता यार। तो गाइस यार एक बार स्पैम कर दो यार, मुश्किल वक्त कमांडो सर। ओए मुन्ना क्या बेकार से डायलॉग है ये। हे भैया बेकार से नहीं है यार, अच्छा डायलॉग है। चलिए भैया अब चेस्ट लगाते हैं, और ये लगा दिया भैया, ये देखिए भैया चेस्ट एकदम परफेक्ट लग चुके हैं। ओए हॉपर भी लगाएगा कि चेस्ट ही लगा के रह जाएगा? हे भैया लगा रहा हूँ यार, धीरे धीरे चीजों को लगाना चाहिए। ये लीजिए भैया हॉपर भी लग गया, हम लोग का भैया एक स्टेप पूरा हो चुका है। मुन्ना तेरे लिए तो तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया मुन्ना। हे भैया शर्मिंदा मत कीजिए यार। चलिए भैया मैं बेड लेकर आता हूँ। ओए तालियां नहीं तेरे लिए मारना चाहिए, तुझे तो मुन्ना मुझे तोड़ना फोड़ना चाहिए।
रही है। ओए भैया क्या हो गया यार, ओए तू इतना ही बनाकर बड़ा खुश हो रहा है, अभी तुझे पता नहीं हम लोग का एक बहुत बड़ा एक्सपी फॉर्म बनाना है। ओए हे भैया मुझे बता यार, मैं तो सोचा भैया मेरे लिए आप तालियां बजा रहे हैं। ओए मुन्ना इतना स्टेप करके ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, अभी तो मुन्ना छोटा सा स्टेप है। ओए अभी तो मुन्ना मुझे समझ ले हम लोग का बेस भी नहीं बना। ए भैया बेस तो बन गया यार, ये लीजिए भैया अब तो तैयार हो गया ना। ओए मुन्ना अभी हम लोग का 22 ब्लॉक ऊपर जाना है, भूल गया क्या? हाँ भैया कैसे भूल सकता हूँ यार, भैया एक्सपी फॉर्म मैंने भी बनाया यार। मुन्ना मैंने सुना है जावा वर्जन का जो एक्सपी फॉर्म होता है वो काफी अच्छा वर्क करता है। ओए हाँ भैया एकदम सही सुना यार, क्योंकि भैया यार जावा वर्जन में इतने सारे मॉब्स आते हैं और भैया एक्सपी भी भर भर कर मिलती है। ओए जब इतने सारे मॉब्स आएंगे तो एक्सपी तो मुन्ना ऑब्वियस सी बात मिलना ही है। ओए हाँ भैया वही तो है, तो भैया चलिए जल्दी से बनाते हैं यार, और भैया फिर मॉब्स ही मॉब्स आएंगे और भैया उनको एक तलवार में उड़ा देंगे और मुन्ना तब तो मजा ही आ जाएगा। हाँ भैया मजा नहीं फुल टू मजा आएगा भैया, फुल टू मजा। और चल फिर मुन्ना जल्दी से टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अब जल्दी से 22 ब्लॉक ऊपर जाते हैं। अब भैया 21 ही जाना है ओनली, ओए भूल ही गया था, चल ठीक है अब 21 ही जाते हैं और क्या। ओए हाँ भैया तो इसी बातें बोल दीजिए मुश्किल वक्त कमांडो शख्स। ओए मुन्ना मैं ये डायलॉग नहीं बोलने वाला, और चाहे कुछ भी बुला ले। ओए और तो मेरा दिमाग मत खराब किया कर ये डायलॉग बोलकर। हे भैया यार इससे काफी एनर्जी मिलती है यार। ओए मुझे नहीं एनर्जी मिलती है, मुझे एकदम टेंशन हो जाता है, मेरे दिमाग में हेडेक हो जाता है। ओए हे भैया चलिए ठीक है यार नहीं बोलूंगा यार। ओए चल ठीक है मुन्ना गुड बॉय, अब हम लोग अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुन्ना अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस बचा हुआ है। 22 ब्लॉक जाने के बाद तुझे पता है ना ऊपर का बेस बनाने में कितना ज्यादा मेहनत लगती है। हाँ भैया मेन तो अभी ऊपर ही है, अभी तो भैया ऊपर काफी ज्यादा काम बचा हुआ है यार, मैं इसलिए तो बोलता हूँ फालतू के डायलॉग्स बोलने के बजाय काम पर ध्यान दे लेते हैं। ओए हे भैया यार इन सब चीजों में टाइम काफी ज्यादा लग जाता है यार। ओए मुन्ना टाइम लगना तो ऑब्वियस ही बात है, अब चल बता अब क्या करना है, 22 ब्लॉक तो हो गया। भैया यार अब हम लोग को 8-8 ब्लॉक की लाइन बनानी पड़ेगी, वो भी भैया डबल लाइन, वो भी भैया चारों तरफ से। ओए चल ठीक है फिर शुरू हो जाते हैं। ओए ये हो गया 2 और ये 3 और ये 4 और भैया इधर से भी कंप्लीट कर देता हूँ मैं। ओए 3 और बचे हैं, नहीं भैया 4 और बचे हैं, ये हो गया 2 और ये भैया 3 और ये भैया हो गया लास्ट। बस भैया 8 ही जाना है। चल मुन्ना मैं समझ गया, ओए ये हो गया 8 और चारों कोनों में इस तरह करना है ना। हाँ भैया इसी तरह से। ओए तो चल मुन्ना देरी किस बात की, फिर चारों कोनों कंप्लीट करते हैं। ओए ये हो गया आखिरी और ये मुन्ना 8-8 ब्लॉक का कंप्लीट हो गया। चलिए भैया बहुत बढ़िया यार, हम लोगों ने नीचे का बेस तो कंप्लीट कर लिया। अब भैया इसको 2-2 ब्लॉक ऊपर ले जाना है। ओए रुक जा मैं समझ गया, क्योंकि मुन्ना इसको हम लोगों ने अपने पॉकेट एडिशन वाले में बनाया था ना। भैया पॉकेट एडिशन को कैसे भूल सकते हैं। ओए मुन्ना पॉकेट एडिशन से मुझे याद आया, काफी ज्यादा लोग RIP लिख रहे हैं अभी सीजन 1 को। ओए तो गाइस यार उसका मैं आपको बता ही देता हूँ कि आखिरकार उस वर्ल्ड का हो क्या गया, क्यों नहीं आगे पार्ट्स आ रहे हैं उसके। गाइस उसका मैं बता दूं यार, उसका जो वर्ल्ड फाइल था ना गाइस वो पूरी तरह से करप्ट हो चुका था। पता नहीं क्या होगा था, लेकिन गाइस वो वर्ल्ड खुल ही नहीं रहा था यार, पूरी तरह से एरर बता रहा था, पता नहीं कैसा एरर था। लेकिन जब मैंने माइनक्राफ्ट को दोबारा अपडेट करके डाउनलोड किया तो गाइस यार वो वर्ल्ड डिलीट हो चुका था, पता नहीं कहाँ चला गया, इसलिए गाइस उस वर्ल्ड की वीडियो नहीं आ रही। और गाइस मुझे भी सच बताऊं तो काफी ज्यादा बुरा लगा था कि हमारा वर्ल्ड डिलीट हो चुका है। और गाइस यही हाल हम लोग का पॉकेट एडिशन वाले 1 ब्लॉक का भी हुआ था, और उसी तरह से गाइस 1 ब्लॉक भी हम लोग का डिलीट हो चुका था। लेकिन गाइस जो अभी हम लोग का 1 ब्लॉक का जावा में खेल रहे हैं उसको भी हम लोग बहुत जल्दी कंटिन्यू करेंगे यार, फिलहाल अभी काम पर ध्यान देते हैं। 2000 years later. लिए भैया कम से कम इसका 2-2 ब्लॉक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब भैया इसके ऊपर से हम लोग को बगल बगल से भैया उसका बेस बनाना पड़ेगा। ओए तो चल मुन्ना देरी किस बात की, उसको भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। हे भैया रुक जाइए कुछ कमी लग रही है मुझे। ओए अबे क्या कमी लग रही है, मुन्ना सही तो बन रहा है। हाँ भैया सही तो बन रहा है, चलिए भैया पहले बेस कंप्लीट करते हैं फिर देखेंगे क्या कमी लग रही है। ओए चल ठीक है। ओए तो जैसा कि ओगी ने बताया ही होगा कि किस लिए पॉकेट एडिशन में सर्वाइवल की वीडियो नहीं आ रही है, तो उसका रीजन यही था फाइल करप्ट होने की वजह से। और आप लोग देख भी सकते होंगे वहां पर लैग भी बहुत ही ज्यादा हो रहा था, इतना ज्यादा लैग हो रहा था कि गेम प्ले भी सही से नहीं खेला जा रहा था। आप लोग के पास जो गेम प्ले जा रहा था वो थोड़ा सा रिफाइंड गेम प्ले जा रहा था, लेकिन जब हम लोग गेम प्ले को खेल रहे थे तो उसमें भी काफी ज्यादा लैग देखने को मिल रहा था। और गाइस गेम प्ले तो हम लोग किसी तरह से भी खेल भी लेते थे, लेकिन गाइस लैग तो काफी ज्यादा होता ही था। और गाइस बाद में यार फाइल एरर की वजह से हम लोग का
वर्ल्ड ही पूरा डिलीट हो गया। तो गाइस यार अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए माइनक्राफ्ट का सीजन 2 को हम लोगों ने जावा एडिशन में खेला, क्योंकि इसमें हम लोग को लैग तो देखने को मिलता ही नहीं और साथ में आप लोगों को क्वालिटी भी इसमें ज्यादा अच्छी मिलती होगी पॉकेट एडिशन के मुकाबले। ओए इसीलिए जावा एडिशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ओए इसीलिए अपना प्यार और सपोर्ट तो दिखाते रहिए और गाइस वीडियो तो हम लोग कंटिन्यू लाते रहेंगे। चलिए भैया कंप्लीट हुआ कि नहीं? ओए मुन्ना भी 2 और बचा हुआ है, उसके बाद एकदम बेस फुल 2 कंप्लीट हो जाएगा। ओए चलिए भैया अब इधर का भी हो गया, अब भैया इधर का भी 2 जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। पता नहीं भैया अभी कितना टाइम लगने वाला है। ओए मुन्ना ये एक्सी फॉर्म बना रहे हैं, टाइम तो लगना ही है। ओए हाँ भैया चलिए फिर ठीक है जल्दी से बनाते हैं। और भैया यार हम लोग को 1 ब्लॉक भी बहुत जल्दी कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि भैया यार कमेंट सेक्शन में तो RIP देखते देखते मेरा तो दिमाग ही भैया घूम जाता है यार। ओए मुन्ना सबका RIP चलता रहता है कमेंट सेक्शन में हमारे। ओए हाँ भैया वो तो वही है। चलो गाइस यार कोई बात नहीं, हम लोग 1 ब्लॉक भी बहुत ही जल्दी कंटिन्यू करेंगे, उसकी भी एकदम रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। चलिए भैया बस थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद भैया शायद 1 ही बचा हुआ है। ओए मुन्ना भी 2 बचे हुए हैं। ए भैया यार अभी तो आपने बोला 2 बचे हुए हैं यार, फिर से बोलने लगे 2 बचे हुए हैं। ओए मुन्ना उधर साइड का देखा ही नहीं था, अभी 2 और बचे हुए हैं। ओए हे यार भैया आप भी ना पता नहीं देखते वगैरह नहीं किया। ओए चल ठीक है मुन्ना कंप्लीट कर लेंगे, कैसे बात की देरी। ओए हाँ यार भैया एक्सी फॉर्म तो कंप्लीट करना ही है। चलिए भैया ये हो गया दूसरा भी कंप्लीट, और भैया इसके बाद अभी 2 बचे हुए हैं, इसको हटा देता हूँ, ये बेकार लग रहा है। ओए बेकार क्या मुन्ना, बहुत बेकार लग रहा है। ओए हे यार भैया काफ़ी मेहनत लग जाती है यार। ओए मुन्ना कुछ भी हो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना एक्सी फॉर्म जो बनाना है। हाँ भैया वो तो है। ओए क्या बात है हो गया कंप्लीट मुन्ना बेस। ओए हे भैया चलिए बहुत बढ़िया यार, मेहनत तो लगी लेकिन भैया हो गया कंप्लीट कम से कम। ओए ये बता कमी क्या लग रही थी, तू उस समय बोल रहा था ना कुछ तो कमी है। हे भैया यार समझ गया मैं क्या कमी है। ये देखिए भैया ये कोनो कोनो में एक एक ब्लॉक भैया नहीं लगा हुआ यार। ओ इस कमी को बोल रहा था क्या? हाँ भैया क्योंकि जब भैया उधर से वाटर डालेंगे तब भैया वाटर फैल जाएगा यार, तब भैया जॉम्बी भी नहीं आ पाएंगे, वो तो बताना चाहिए था ना। हाँ भैया अब परफेक्ट लग रहा है, इसीलिए तो भैया मैं बोल रहा था कुछ तो कमी लग रही है, अब भैया एकदम परफेक्ट लग रहा है। चलिए भैया यार अब ऊपर की छत बना देते हैं, उसके बाद भैया ट्रैप डोर लगाते हैं, फिर भैया वाटर वगैरह डाल के फिर भैया हो जाएगा कंप्लीट। ओए मुन्ना फिर हो जाएगा कंप्लीट भैया वो तो हो जाएगा। चलिए भैया अब जल्दी से इसकी छत को कंप्लीट करते हैं। ओए मुन्ना छत कितने ब्लॉक की रहेगी? बस भैया 2 ब्लॉक करिए फिर भैया उसके ऊपर से हम लोग छत लगा देंगे। ओए मुन्ना छत लगाई नहीं जाती बनाई जाती है। ओए हाँ भैया एक ही बात है यार, फ्लो फ्लो में भैया कभी कभी इधर उधर में निकल जाता हूँ यार। ओए इधर उधर ज्यादा मत निकला कर, नहीं तो मुन्ना पता नहीं कहाँ निकल लेगा, तुझे खुद ही नहीं पता चलेगा। ओए हाँ भैया मुझे पता रहता है रास्ता, भैया मुझे हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि भैया मैं कोऑर्डिनेट देख कर चलता हूँ ना। ओए मुन्ना बहुत ही घटिया मजाक था, चल अब काम पर ध्यान दे। ओए हाँ भैया दिन भर काम पर ध्यान दे, काम पर ध्यान दे, काम ही पर तो ध्यान दे रहा हूँ भैया, काम पर ना ध्यान देता भैया बनता कैसे। ओए मुन्ना तो बकवास बहुत करता है। भैया चले ठीक है ना मजाक कर रहा था। चलिए भैया यार मैंने दीवाले तो 2-2 ब्लॉक की उठा दी है, अब भैया हमारे पास कॉपर सोनी खत्म हो गया छत कंप्लीट करने के लिए। ओए मतलब कि मुन्ना अब हम लोग को माइनिंग पर जाना पड़ेगा। हाँ भैया यार ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो भैया छत कैसे कम्प्लीट होगी। भैया सोचिए, भैया सोचिए, अब तो भैया हमारे पास कॉपर स्टोन भी नहीं बचा हुआ। ओए मुन्ना मैं तो सोचा एक बार में सब कंप्लीट कर ही नीचे जाते। हाँ भैया सोचा तो मैंने भी यही था। भैया कॉपर स्टोन ही नहीं है यार। ओए मैंने पहले ही तुझसे बोला था कॉपर स्टोन माइन करके लाना, लेकिन तू भी ना आलसी जॉम्बी को देखकर भाग आया। ओए हे भैया यार बहुत सारे थे इसीलिए चला आया था। ओए मुन्ना तू भी ना हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा, चल अब चलते हैं और क्या। हे भैया यार 2 मिनट में माइनिंग का काम है, बस भैया 2-3 स्टैक लेकर चले जाएंगे। ओए मुन्ना तुझे लगता है छत 2-3 स्टैक में कंप्लीट हो जाएगी? हे भैया हो जाएगी यार, टेंशन नहीं है। ओए यार तो गए मुन्ना बाहर। ओए ये क्या इतने सारे स्केलेटन? हे भैया यार ये कहाँ से आ गए? ओए ये नीचे मुन्ना स्पॉन हो रहे होंगे। ओए निकलो बहुत मारूंगा, ये ले। ओए इधर से भाग ले मुन्ना, माहौल बहुत गर्म चल रहा है इधर का। हे यार भैया तो कुछ ज्यादा ही है यार। ओए ज्यादा नहीं मुन्ना बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी छोड़ूंगा नहीं। ओए तोड़ दूंगा ये ले। ओए ये निकल ले। ओए एक कौन मार रहा है? हे भैया एक कौन है ना इसीलिए। ओए पहले इसको निपटाए थे, अब कौन है? ओए नमूने तू मुझे मारेगा, तेरी इतनी हिम्मत? ओए निकल ले। ओए बहुत मारूंगा, ये ले। ओए चल मुन्ना और भी बचे हुए के सब निपट लिए। हे भैया सब निपट लिए, बहुत बढ़िया यार अपने कमाली कर दिया भैया। पानी को बंद करने दे, बड़ा इरिटेट कर रहा है। चलिए भैया बंद हो गया। अब चलिए भैया जल्दी से कॉपर स्टोन माइन करके लाते हैं, फिर भैया इसकी छत कंप्लीट करते हैं। वैसे भैया यार बढ़िया लग रहा है।
ओए मुन्ना एक्टिव फॉर्म जैसा लगना चाहिए वैसा ही तो है। ओए हाँ भैया, लेकिन हमारे वर्ल्ड में अच्छा लग रहा है। ओए किसी के भी वर्ल्ड में हो, हमारे वर्ल्ड में है तो ऊपर से जॉम्बी टपकेंगे, फिर हम लोग उनको तलवार से टपकाएंगे। ओए और फिर भैया हम लोग को मिलेंगी ढेर सारी एक्सपीया, उनका तो भैया मजा ही कुछ अलग होगा ना। ओए मुन्ना, मजा तो जॉम्बियों को तोड़ने में आएगा। ओए हाँ भैया वो तो है यार, हम लोग को जॉम्बी देख भी नहीं पाएंगे और भैया एक तलवार में निपट जाएंगे यार। चल मुन्ना बकवास, हम लोग को ज्यादा करना नहीं चाहिए, हमको ओनली माइनिंग पर चलना चाहिए। ओए हाँ भैया वही तो चल रहे हैं यार। अभी कहाँ जा रहे हैं? ओए तो जल्दी चलते हैं ना, क्योंकि मुन्ना छत का बस थोड़ा सा काम और कंप्लीट है, उसके बाद हम लोग का एक्सपी फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ओए चलिए भैया माइन पर तो आ गए। अब भैया बताइए कि कहाँ से माइनिंग स्टार्ट करनी है। ओ इधर साइड तो हम लोग माइनिंग कर चुके हैं, इसके जस्ट अपोजिट करते हैं, देखते हैं इधर क्या मिल जाता है। शायद मुन्ना हम लोग को डायमंड ही मिल जाए अगर हम लोग लकी हुए तो। ओए हे भैया, हम लोग लकी कभी हुए भी हैं कि भैया आज ही होंगे? आप भी ना भैया कैसा मजाक करते हैं। ओए मुन्ना तू बकवास बंद रखेगा तो हम लोग लकी भी हो सकते हैं। ओए हे भैया ठीक है यार, आप भैया मेरा ही मुंह बंद करते रहते हैं। आप भैया जो बोलते रहते हैं तब नहीं। ओए मुन्ना मैं तेरे जैसा ज्यादा बच्चर बच्चर नहीं बोलता हूँ। ओए हे भैया, आपको लगता है मैं बच्चर बच्चर बोलता हूँ? ओए वैसा बोलता ही है। ओए ये क्या, इधर तो लावा ही लावा है। हे यार भैया, इधर तो बड़ा खतरे वाला माहौल है। ओए मुन्ना खतरे वाला माहौल नहीं है, लावा मतलब तू समझ रहा है, जहाँ लावा होता है वहाँ डायमंड मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ओए मुन्ना इतनी गहराई में लावा मिला है तो डायमंड भी यहीं पर हो सकते हैं। ओए हाँ भैया वैसे बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन भैया अभी तो हम लोग कॉबलस्टोन माइन करने के लिए आए ना, क्योंकि भैया हम लोग को छत कंप्लीट करनी है। Six and a half hours later. ओए मैं निकला कॉपर स्टोन लेकर एक्सपी फॉर्म की छत कंप्लीट करने। ओए हे भैया यार, पिकैक्स अपनी ऑलमोस्ट टूटने ही वाली है, इसमें भैया एफिशिएंसी 2 लगी हुई है और उसको बाद में रिपेयर कर लेंगे, पहले छत रिपेयर करेंगे। ओए हे भैया यार, रात हो चुकी है, कल सुबह चलेंगे ना? ओए चल ठीक है, तू इतना कह रहा है तो मुन्ना कल सुबह ही काम शुरू कर देंगे। ओए इसके बाद मुन्ना हम लोग एक्सपी फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। हे भैया, ट्रैप डोर कौन लगाएगा? ओए मुन्ना तू ज्यादा बकवास मत किया कर, जो बोलता हूँ उतने में हिस्सा कर, चुप रह, दिमाग मत खराब कर। हे भैया यार, ट्रैप डोर तो लगाना ही पड़ेगा ना, उसका कौन लगाएगा भैया? ओए मुन्ना तू कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है। हे भैया यार, ये बकवास नहीं है, रियलिटी है भैया, रियलिटी। ओए मुझे तेरी रियलिटी से मतलब ही नहीं है। ओए ओए मुन्ना, बेड हम लोग को आज ही मिलेगा, पता नहीं कहाँ चला गया। हे भैया यार, टॉप फ्लोर में अपना बेड। चलिए भैया ये रहा, गुड नाइट भैया। ओए गुड नाइट मुन्ना, कल सुबह मिलते हैं। हे भैया यार, गुड गुड वाला गुड मॉर्निंग। ओए तो मैं क्या करूँ, गुड वाला तेरा गुड मॉर्निंग है तो। हे भैया आपको बोला था यार। ओए चल तुझे भी गुड मॉर्निंग, अब जल्दी से काम पर चलते हैं। ओए हे भैया आज तो आप जल्दी उठ गए यार। ओए क्योंकि बन्ना आज मुझे किसी भी हाल में एक्सपी फॉर्म को कंप्लीट करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओए चाहे भैया रात ही क्यों ना हो जाए। ओए बन्ना चाहे रात ही क्यों ना हो जाए, आज एक्सपी फॉर्म कंप्लीट होगा तो होगा। हाँ भैया चलिए ठीक है, आपकी डेडिकेशन देखकर तो भैया मुझे भी कॉन्फिडेंस आ चुका है। ओए तो मुन्ना जब कॉन्फिडेंस आ ही चुका है तो फिर जल्दी से चलते हैं, किस बात की देरी। ओए हाँ भैया किस बात की देरी है भैया यार, सामने मुझे एक क्रीपर दिख रहा है। ओ ये नमूना कहाँ से आ गया? हे भैया स्पॉन हो गया होगा। ये रहा भैया, और ये ले नहीं छोड़ूंगा। भैया यार संभल कर कहीं फट ना जाए। ओए मुन्ना तेरी भैया के तलवार से कोई क्रीपर फट नहीं सकता, टूट फूट जरूर सकता है। ओए निकल ले। हे भैया फट जाएगा। हे भैया बोला था ना फट जाएगा। ओए मुन्ना पता नहीं कैसे फट गया। हे भैया आपकी लापरवाही की वजह से फट गया, और कैसे फट गया? अब भी ना भैया ध्यान नहीं देते। ओए चल लापरवाही छोड़, पहले ऊपर चलते हैं। ओए हाँ भैया चलिए चलते हैं यार। भैया इसको बंद तो कर दीजिए, नहीं तो भैया पानी बाहर फैल जाएगा। ओए रुक जा ये ले बंद हो गया। चल मुन्ना अब जल्दी चलते हैं। ओए अंधेरा मुन्ना कुछ ज्यादा ही है। हे भैया कोई बात नहीं, ऊपर तो उजाला है, कोई भी जॉम्बी स्पॉन नहीं हुआ होगा। ओए जॉम्बी कैसे स्पॉन हो जाएगा, बहुत मारूंगा जॉम्बियों को। ओए ओए मुन्ना इधर भी हम लोग को एक वाटर बेस बना लेना चाहिए। हाँ भैया मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि भैया अब हम लोग को अनलिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगी। ओए मुन्ना नीचे से पानी लेकर आना चाहिए था। हे भैया यहीं पर बना लेंगे यार। आपको भैया याद नहीं किया? ओए मुन्ना बिल्कुल सही कहा, हमारे पास 2 बकेट वाटर है ना। हाँ भैया वही तो यार, 2 बकेट वाटर से अनलिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर भी बन जाएगा। ओए तो चल मुन्ना इसको बनाने में किस बात की देरी, इसको भी जल्दी से बना ही लेते हैं, क्यों मुन्ना हम लोग का टाइम ही बचेगा। ओए हाँ भैया वही तो। चलिए भैया बन गया लगभग लगभग। ओए लगभग नहीं, पूरा ही बन गया, देखता हूँ। ओए एकदम मुन्ना ऑलरेडी फिट हो चुका है, अब जल्दी से मुन्ना छत को कंप्लीट करते हैं, फिर चारों कोनों से वाटर डालते हैं, उसके बाद मुन्ना हम लोग यहाँ से निकल लेंगे, फिर जॉम्बी नीचे गिरेंगे और मुन्ना हम लोग उनको टपकाएंगे एक तलवार से। ओए
हाँ भैया पहले कंप्लीट तो कर ले छत यार। ओए आप किस तरह से कंप्लीट करें, कंप्लीट ही तो कर रहे हैं। ओए हाँ भैया थोड़ा सा हम लोगों को काम को थोड़ा सा तेजी देनी पड़ेगी। ओए मुन्ना काम को कैसी तेजी दे, ओए तेजी तो काम चल रहा है अपना तो। हाँ भैया और भी तेज काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। बस भैया बस हर जगह पर क्राउच होकर चलिएगा क्योंकि भैया हम लोग कुछ ज्यादा ही ऊंचाई पर है यार। ओए मुन्ना चल मुझे याद हम लोग कुछ ज्यादा ही ऊंचाई पर है, इतना तो मुझे भी पता है। ओए हाँ भैया बस यही बोल रहा हूँ, संभल कर रहिएगा क्योंकि भैया यहाँ पर अब कुछ ज्यादा ही रिस्क है यार। ओए मुन्ना मुझे नींद आ रही है। हे भैया पगला गया क्या, आपने तो बोला था आज कंप्लीट करना है तो करना है। ओए मुन्ना काफी लंबा काम लग रहा है मुझे तो ये। ओए ये तो मुझे शुगर केन फॉर्म से भी बोरिंग लग रहा है। हे भैया बोरिंग किस बात की, ये हो गया अंधेरा। ओए मुन्ना यहाँ तो सीन हो गया अंधेरा कायम रहे वाला। ओए हे भैया यार अंधेरा है, अभी टॉर्चेस नहीं हटाई है, टेंशन मत लीजिए कोई भी ज़ॉम्बी नहीं आएगा। ओए तो तुझे क्या लगता है तेरा भैया ज़ॉम्बियों से डरता है। हे भैया आपने तो बोला अंधेरा है। ओए मुन्ना अंधेरा था ना इसीलिए, ज़ॉम्बी तेरा भैया कभी डरा नहीं है ना आज तक डरेगा। ओए हाँ भैया मुझे पता है यार। चलिए भैया इसीलिए तो उजाला कर दियो यार। ओए चलो उजाला कर दिया तब तो ठीक है, अब जल्दी से मुन्ना यहाँ से टॉर्चेस हटाते हैं। हे भैया यार ट्रैप डोर कौन लगाएगा यार, भूल गए क्या। ओए मुन्ना भी अभी बवाल है क्या। हाँ भैया इसके बाद चारों कोनों में पानी भी तो डालना है ना, नहीं तो भैया ज़ॉम्बी तैर कर कैसे नीचे जाएंगे। ओए मुन्ना बड़ा बवाली चीज है ये तो। हे भैया हो जाएगा कंप्लीट, इसमें किस बात की देरी। ओए इधर भी लगाना है क्या, नहीं भैया उधर नहीं लगाना है, बस भैया सामने बस जाना है उसके बाद भैया ट्रैप डोर लगाना है। ओए तो जल्दी से लगाना है तो लगा देना। ओए हे भैया लगाई तो रहा हूँ यार, अब कैसे लगाऊं। ओए तू हट जा मुझे लगाने दे। ओए ये ले मुन्ना ट्रैप डोर भी लग गया, अब क्या करना है। अब बस भैया हम लोगों को वाटर डालने का काम बचा हुआ है, उसको भी भैया जल्दी से चारों कोने में डालते हैं, उसके बाद भैया यहाँ से निकलते हैं टॉर्चेस हटा के। और भैया यार इसके बाद हम लोग को ऊपर भी छत में भी टॉर्चेस लगानी पड़ेगी, नहीं तो भैया वहाँ पर भी ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाएंगे। और चल मुन्ना जाते वक्त लगा देंगे ना। हाँ भैया जाते वक्त ही लगाएंगे। चलिए भैया अब जल्दी जल्दी वाटर डालते हैं। दो बकेट से ज्यादा डालना तो नहीं ना। नहीं भैया उससे ज्यादा नहीं डालना, इतने में भैया काम हो जाएगा, इतने में भैया ज़ॉम्बी तैर कर इस गड्ढे में गिरेंगे, और भैया जब गड्ढे में गिरे तो भैया नीचे आएंगे, उसके बाद हम लोग की भैया तलवार की एक हिट से ज़ॉम्बियों का काम तमाम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को मुन्ना एक्सपी मिलेगी। ओए मुन्ना एक्सपी की जो आवाज आती है ना बड़ी प्यारी लगती है। ओए हाँ भैया इसीलिए तो हम लोग एक्सपी फॉर्म बना रहे हैं, आवाज के लिए नहीं बना रहे हैं, बस भैया हम लोग को जरूरत है इसीलिए बना रहे हैं। ओए मुन्ना मैं तो एक्सपी फॉर्म ज़ॉम्बियों को तोड़ने के लिए बना रहा हूँ। हाँ भैया आपका अलग ही है। चलिए भैया कुछ भी हो लेकिन एक्सपी फॉर्म तो हम लोग का बन गया ना। ओए अभी कहाँ बना है, अभी तो वाटर डाल रहे हैं। हे भैया बन ही गया यार, बस हो गया वाटर, अब भैया कहाँ कहाँ डालेंगे। ओए रुक जा एक कोना और बचा हुआ है, ओए ये एक बकेट और ये दूसरी बकेट, चल ना वाटर डालने का काम भी हो ही चुका है। ओए चलिए भैया बहुत बढ़िया यार, अब हम लोग का एक्सी फॉर्म कंप्लीट हो चुका है फुल्ली। अब भैया ऊपर हम लोग को टॉर्चेस बस लगानी है, इसके बाद भैया हो जाएगा पूरा कंप्लीट, इसके बाद भैया हम लोग को नीचे उतरना है। ओए रुक जा इस कॉपर स्टोन को तो हटा दो। ओए ये हट गया। ओए मुन्ना टॉर्चेस भी हटानी है, ये नहीं भूलना। ओए कि बिना टॉर्चेस हटाए ही चले जाए और हम लोग एक्सपी बम वर्क भी नहीं करे। ओए हाँ भैया मैं नहीं भूला यार, टॉर्चेस हटा देंगे, किस बात की देरी भैया। और भैया पहले सोते हैं, गुड नाइट भैया। ओए गुड नाइट। ओए मुन्ना सुबह हो गई, उठ जा। हाँ भैया रुक जाइए बेड निकाल लेता हूँ। चलिए भैया आज वैसे कुछ ज्यादा काम नहीं है, बस भैया ऊपर टॉर्चेस लगानी है और भैया नीचे से हटाना है। ओए बस इतना ही काम है। हाँ भैया बस इतना ही काम है, चलिए भैया थोड़ा सा उजाला लेते हैं। ओए मुन्ना मैं सोच रहा था ऊपर हम लोग टॉर्चेस लगाकर आ ही जाते हैं। ओए हाँ भैया चलिए ठीक है, इतना कह रहे हैं तो भैया चलिए ऊपर टॉर्च लगाकर आते हैं जल्दी से। ओए मुन्ना ऊपर कैसे जाए। हे भैया सिंपल सा कॉपर स्टोन लगाइए और ऊपर चलते हैं, फिर भैया फिर से नीचे आ जाएंगे हटाने के लिए। ओए चल ठीक है। ओए यहाँ लगाना है। हाँ भैया और कहाँ लगाएंगे यार, यही पर लगाना है। ओए तो मुन्ना किस बात की देरी, हम लोग लगाना जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। ए भैया मैंने तो शुरू भी कर दिया यार, टॉर्चेस लगाने में भैया मजा आ रहा है। ओए मुन्ना मजा तो आएगा ही, इतनी जो मेहनत तो की है। ओए चलिए भैया ऊपर टॉर्चेस भी लग गई, अब भैया नीचे चलते हैं, नीचे की भी टॉर्चेस हटा देते हैं जल्दी जल्दी। ओए रुक जा इसको तो बंद कर दो। हे भैया अभी इसको मत बंद कीजिए, अभी भैया उसी के सहारे हम लोग को ऊपर जाना है। मुन्ना इसको कौन बंद करेगा। हे भैया रुक जाइए मैं बंद कर देता हूँ। और भैया यार इधर का कॉपर स्टोन भी हटाना है, नहीं तो भैया ज़ॉम्बी तो इतने में ही फंस जाएंगे यार।
ओए मुन्ना भी हम लोग भूल जाते हैं भैया, भूलते कैसे यार। ये तो भैया मेन काम है यार, इसको अगर भैया नहीं करते तब तो भैया हम लोग का एक्सपी फॉर्म वर्क भी नहीं करता यार। ओए मुन्ना बच के रहना। हाँ भैया एकदम बच के। अब चलिए भैया जल्दी जल्दी टॉर्चेस हटाइए यार, क्या कर रहे हैं। ओए रुक जा, देख रहा था काम कर रहा है कि नहीं। मैंने एक वैसे कॉपर स्टोन फेंक कर देखा, वो नीचे जा रहा है। हाँ भैया यार काम तो करेगा ही भैया, सिंपल सी बात है यार। चलिए भैया अब जल्दी जल्दी टॉर्चेस हटाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। ओए ये एक्स्ट्रा क्यों लगा हुआ है। हे भैया यार भूल गए होंगे। चलिए भैया अब तो हटा दिया ना, अब टॉर्चेस भी हटाते हैं जल्दी जल्दी। ओए रुक जा मुन्ना, हटा ही तो रहे है। ओए एकदम संभाल के मुन्ना, नहीं तो हम लोग भी इस पानी के बहाव में नीचे न गिर जाए। भैया ऐसे कैसे गिर जाएंगे यार। ट्रैप डोर जो है ना भैया, उनके मदद से भैया हम लोग इस पार से उस पार जा सकते हैं और फिर भैया इनको क्लोज कर देते हैं। और भैया ये रही आखिरी की दो टॉर्चर। हट गई भैया, अब जल्दी से ट्रैप डोर को हटाइए और भैया फिर चलते हैं ऊपर की ओर। ओए मुन्ना एकदम अंधेरा हो जाएगा। हाँ भैया जॉम्बी स्पॉन होना भी शुरू कर देंगे। चलिए भैया जल्दी भागे यार। ओए रुक जा, ये हो गया अंधेरा। हे भैया यार नीचे का दो ब्लॉक हटाना था। ओए रुक जा, भी हटा देता हूँ मुन्ना, ऊपर तो फिर हम लोग बंद कर देंगे। हाँ भैया बिल्कुल सही आइडिया। ओए लेकिन कॉपर स्टोन है भैया, इनका कोई टेंशन नहीं है, अपने आप डिस्पॉन हो जाएंगे। ओए ये ले मुन्ना बंद हो गया। अब चलिए भैया बच्ची कुछ टॉर्चेस भी लगा ही देते हैं, नहीं तो भैया जॉम्बी स्पॉन हो जाएंगे, तो भैया अपने एक्सपी फॉर्म में जॉम्बी नहीं स्पॉन होंगे। ओए मुन्ना मैं कोई चांस ही नहीं दूंगा जॉम्बी को ऊपर स्पॉन होने का। ओए सभी जगह टॉर्चेस टॉर्चेस लगा दूंगा, ये ले जितने भी बच्चे कुछ टॉर्चेस है सब जगह लगा दूंगा। चल मुन्ना हम लोग को नीचे भी जाना है। ओए कहाँ से कूदेंगे। हे यार भैया नीचे तो बहुत खतरा है यार, यहाँ से कूदेंगे तो भैया बचेंगे भी नहीं यार। ओए तो मुन्ना अब क्या करें, नीचे कैसे चले। हे यार भैया मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग बकेट के सहारे से नीचे जा सकते हैं। बस भैया सिंपल सा वाटर डालना है। ओए तो चल फिर चलते हैं। ओए ओए ये क्या मर गए। हे यार भैया प्लान फेल हो गया। ओए मुन्ना तू जितने भी प्लान बनाता है ना सबसे घटिया प्लान बनाता है, आज से तेरे प्लान पर विश्वास नहीं करूंगा, पता नहीं बेफालतू को मरवा दिया। ओए हे भैया कोई रास्ता भी तो नहीं था यार, मैंने सोचा भैया वाटर बकेट की मदद से हम लोग बच जाएंगे यार। ओए लेकिन तू सही टाइम पर प्लेस नहीं कर पाया। ओए हे भैया गलती हो गई हो। ओए क्या खा गलती हो गई। ओए जॉम्बी आ रहे हैं कि नहीं। ओए हे भैया यार ये तो मस्त वर्क कर रहा है यार। ओए तो मुन्ना ला मेरी तलवार, इनको तोड़ने फोड़ने का मजा ही कुछ अलग होता है। ओए नन्हे मुन्ने प्यारा जॉम्बी नहीं छोड़ूंगा ये लो। ओए क्या बात है मुन्ना एक्सपी भी मिल रही है। हे भैया 7 XP हो गई यार। ओए क्या बात है, ये क्या क्रीपर तो अपने आप मर गया। हे भैया लगता है इसके लिए कुछ ज्यादा ही ऊंचाई हो गई। ओए एक और मर गया। हे भैया चलिए ये सामान वगैरह भी एकदम परफेक्ट आ रहा है, हम लोग के चेस्ट में ही डायरेक्ट जा रहा है। ओए रुक जा जॉम्बी को तोड़ता हूँ। ओए जॉम्बी कैसा मजा मिला। ओए हे भैया देखे यार हम लोग एफसी फॉर्म तो एकदम बेस्ट काम कर रहा है। ओए फिर से 2 जॉम्बी आए। ओए निकल लो। ओए मुन्ना एक हिट में इन लोगों का काम तमाम होता जा रहा है। ओए हे भैया यार मस्त वर्क कर रहा है यार। देखिए भैया हम लोग की XP भी 8 हो गई यार। ओए एक और आया मुन्ना, क्रीपर आ गया। हे भैया तो किस बात की देरी, खाना खा के बाहर ने चलते हैं यार। ओए क्या बात है मुन्ना, वैसे एक्सपी फॉर्म एकदम बेस्ट बना हुआ है। ओए रुक जा इनको एक बार और तोड़ कर आता हूँ। ओए और फोड़ कर भी आता हूँ। ओए ये ले तू भी ले ले। ओए मुन्ना क्या बात है, एक और आ गया, ये ले निकल ले। ओए मुन्ना तो बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा है। हाँ भैया मैंने बोला था ना जावा एडिशन वाला एक्सपी फॉर्म एकदम बेस्ट है यार। ओए चल मुन्ना आज एक्सपी फॉर्म बनाने में हालत टाइट हो गई। ओए हाँ भैया यार मेहनत भी काफी लगी यार। तो गाइस यार इसी बात पे आप लोग एक लाइक जरूर मार दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है यार। और चैनल पे नया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना, वो तो बचना ही नहीं चाहिए। ओए तो गाइस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस तब तक के लिए यार सभी को टाटा बाय बाय, गुड बाय। ओए मेरी तरफ से भी सभी को टाटा बाय बाय। ओए